नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में किशोर की डूबकर मौत, ईंट भट्टे के गड्ढे में भरा था बारिश का पानी, निकालने में लोगों ने नहीं की मदद। उन्नाव में मवेशी चराने गए एक किशोर की पानी भरे ईंट भट्टे के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। परिजनों ने गड्ढे से शव को बाहर निकाला। मौत के बाद परिजन रो रो कर बेहाल होते रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलौखेड़ा गांव में मवेशी चराने गए एक 12 वर्षीय किशोर की पानी भरे ईंट भट्टे के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। मृतक किशोर अनुज पुत्र सुखदेव रविवार की शाम अपने मवेशियों को चराने निकला था। जब अनुज गड्ढे के पास पहुंचा तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। वहां मौजूद किसी ने उसकी मदद नहीं की और गड्ढे की गहराई के कारण वह बाहर नहीं निकल सका। जब शाम को अनुज घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने गड्ढे के पास जाकर देखा जहां अनुज का शव पानी में पड़ा मिला। यह देखकर परिवार में कोहराम मच गया। अनुज दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटा था और उसकी मौत से परिवार में भारी मातम छा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव वालों ने बताया कि यह गड्ढा लंबे समय से खुला पड़ा था और प्रशासन ने इसे भरने या सुरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। स्थानीय निवासियों ने इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए गड्ढे को भरने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।